नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। मलेशिया की सत्ता से बोरिया बिस्तर लेकर खुदा गंज के मुहाने पर खड़े मातिर मोहम्मद की देर से ही सही पर कल ठिकाने लग गई है, यानी मातिर मोहम्मद द्वारा व्योन के सामने की गई स्वीकृति ऐसे व्यक्ति की भांति है जो अंतिम यात्रा पर निकलते वक्त झूठ नहीं बोलता है। मलेशिया का यह पूर्व पीएम स्वीकार कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से उलझना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। केवल इतना ही नहीं, मातिर मोहम्मद ने नरेंद्र मोदी को विश्व का श्रेष्ठ नेता होने के साथ बीजिंग के खिलाफ भारत को अपना समर्थन भी दिया है। व्योन टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में मातिर ने मोदी का जमकर गुणगान किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने माना कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा है और मोदी एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। मातिर के इस इकरारनामे से पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगी होगी, क्योंकि मातिर का फायदा उठाने के लिए पाक के पीएम इमरान ने इस बुढ़ऊ पीएम को जमकर बेवकूफ बनाया था। इतना कि एक वक्त मातिर कश्मीर पर वही बोलने लगे थे जो पाकिस्तान चाहता था, मगर बाद में मातिर की सत्ता से बेदखली हुई तो पाकिस्तान ने उन्हें एक बार भी फोन तक नहीं किया। आज हालत यह है कि मातिर की पार्टी नजीब की पार्टी के साथ मिलकर मलेशिया की सत्ता में मौजूद है, पर मातिर की यहां कोई वैल्यू नहीं रही है। मातिर को भारत से रिश्ते खराब होने को लेकर अपनी भूमिका पर दुख है। उन्होंने कहा है कि भारत एक ताकतवर देश है जबकि मलेशिया कमजोर मुल्क है। मलेशिया भारत से टकराने की सोच भी नहीं सकता है। भारत द्वारा मलेशिया पाम ऑयल बैन करने से देश को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मातिर ने स्वीकारा है कि आज कश्मीर आजाद है, वे भारत के साथ है, पर उस वक्त जो हालात थे उनमें कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति थी। यानी 94 साल का बुढ़ऊ पूर्व पीएम जो पिछले साल तक पाकिस्तानी मोम के पंख लगाकर सूरज को पकड़ने चला था, आज धरातल पर आ गया है। स्थिति यह है कि सपनों में भी मोदी की बिना लाठी वाली मार याद आ रही है। पाकिस्तान तो अपना काम निकालकर चलता बना, पर भुगतना मातिर मोहम्मद को पड़ा है। मातिर भूल गए हैं कि पाकिस्तान में ऐसे मुल्ला रहते हैं जो खुद उस धरती के नहीं हुए, जाइन के बाप दादा तेल के पीपे ढोते ढोते मर गए। ऐसे में मातिर को दगाबाजी का जो कसैला फल हासिल हुआ है वह शायद इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकेगा। गौरतलब है कि मातिर मोहम्मद ने 24 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 1 मार्च 2020 को मलेशिया के गृह मामलों के पूर्व मंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मातिर साल 2018 में हुए आम चुनाव के बाद से पद पर थे। मातिर के इस्तीफा देने के बाद मलेशिया की राजनीति में आरोप लगे थे कि इस सत्ता परिवर्तन में भारत की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि मोहिउद्दीन यासीन मातिर मोहम्मद की पार्टी के नेता है और उन्होंने विपक्षी नेता नजीब की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। यानी मातिर को सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाने के लिए यहां बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था। मातिर की पार्टी फिर से सत्ता में आई है, मगर उसमें मातिर की कोई वैल्यू नहीं है। बड़ी बात यह है कि यासीन के मलेशिया का प्रधानमंत्री बनते ही भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर होते चले गए। पाकिस्तान जिस तुर्की और मलेशिया के भरोसे हवा में उड़ा था, उसमें एक पंख कुतर दिया गया। यासीन ने पाकिस्तान की अहमियत पूरी तरह खत्म कर दी, जबकि भारत के किसी भी मामले में उन्होंने कान तक नहीं फड़फड़ाया है। दरअसल यासीन अपने पूर्ववर्ती मातिर मोहम्मद का असर देख चुके थे। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मातिर ने भारत जैसे ताकतवर देश के साथ उलझकर बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है। यासीन ने मोदी के साथ कई बार टेलीफोनिक वार्ता की है और भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं, परंतु इसमें अभी भी एक पेच फंसा हुआ है। उसने भारत के भगोड़े मुस्लिम आतंकी जाकिर नाइक को मलेशिया में शरण दे रखी है, जिसके प्रत्यर्पण के लिए भारत निरंतर यासीन सरकार पर दबाव बना रहा है। मजे की बात यह है कि मातिर ने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण भी अपना रुख नरम कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वे जाकिर नाइक को अपने देश से निकालना चाहते हैं, पर दिक्कत यह है कि उसे कोई भी मुस्लिम देश स्वीकार करने को राजी नहीं है। उनकी सरकार की मोदी सरकार से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यासीन सरकार जल्दी ही जाकिर नाइक का कोई ना कोई इलाज कर देगी, पर सवाल यही है कि जब गधा लगड़ा हो चुका होता है फिर उसकी गणना इस बात में नहीं होती है कि वह कितना बोझा उठा सकता है। मातिर ने सीधे सीधे मोदी को ललकारा था, यह जानते हुए कि इस छोटे से द्वीप देश की भारत के सामने कोई अहमियत नहीं है, मगर तब मातिर को लगा था कि मोदी से पंगा लेकर वह भी बड़े नेता बन जाएंगे। जानकर हैरानी नहीं होगी कि उन्होंने इस महत्वाकांक्षा के चलते पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से इनकार कर दिया था। यानी मातिर बड़ा मुल्ला साबित करने के लिए खुद को बड़ी तोप समझने लगे थे। वे केवल भारत की निगाहों में नहीं चुभ रहे थे, बल्कि ट्रंप भी उनसे खार खाए बैठे थे। मतलब जिस छोटे से देश का नाम भी कोई ढंग से नहीं जानता है, वहां मातिर ने खुद को लाइमलाइट करने के लिए उल्टे सीधे ड्रामे किए, पर वे इन ड्रामों को 1.5 साल से भी ज्यादा नहीं चला सके।
उससे पहले ही उनका बिस्तरा मलेशिया की सत्ता से उठकर कुआलालंपुर के चौराहे पर आ गया। मातिर फिर से मुगलों वाली नीति अपना रहे हैं, यानी मीठी मीठी बातें करके और मोदी का महिमा मंडन करके फिर से सत्ता वापसी के ख्वाब देख रहे हैं। पर यह घटिया मदरसा नीति आधुनिक विश्व का हिस्सा नहीं है। दुनिया ऐसी नीतियों से पूरी तरह आजीज आ चुकी है। ऐसी चालबाजियां केवल मदरसे की चार दीवारी के भीतर ही चल सकती है। मातिर एक वक्त ताल ठोक कर भारत को हेकड़ी दिखाने में सबसे आगे थे, आज उनका तो क्या मलेशिया का भी कोई नाम लेवा नहीं है। जिन पाकिस्तानी मुल्लाओं के सामने मातिर ने तैमदो का विशेषज्ञ बनने की ठानी थी, उनसे मिला विश्वासघात भी मातिर को कचोट रहा है। अगर उन्होंने चीन भारत के तनाव में भारत को अपना समर्थन दिया है तो उसका भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मलेशिया के कुकुर भी आजकल उनके दरवाजे के सामने से भोंककर गुजरते हैं। वैसे भी भारत को इस नालायक मुल्ला के समर्थन की जरूरत नहीं है। मातिर को यह भी याद रखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में मलेशिया भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया था, मगर पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सीट के लिए यासीन सरकार ने भारत का समर्थन किया है। मातिर मोहम्मद होता तो शायद यह नामुमकिन था, पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। मोदी सरकार भारत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को लाठी से नहीं कूटनीति से मारती है, जिसके लिए सामदाम दंड भेद की रणनीति का पालन किया जाता है। अभी मातिर जैसे कई और दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, तुर्की और चीन भी सूची में शामिल हैं। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भी मातिर वाली हरकतें की हैं। उनकी उल्टी गिनती भी इस वक्त चालू हो चुकी है। तुर्की में भी एर्दोगन के खिलाफ बिगुल की तैयारियां चल रही है, जबकि पाकिस्तान के आरपीएम का टोकरा वहां की सेना ही उठाए घूमती रहती है, जो जब चाहे जहां पर पटक देती है। अब ओली जैसे नेताओं को अभी भी अपने पद का गुमान हो रहा है तो उन्हें व्योम चैनल पर दिए गए मातिर मोहम्मद का इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मातिर ने ओली जैसे नेताओं को मोदी से पंगा नहीं लेने का बड़ा संदेश दिया है। समझ गए तो अच्छा, नहीं समझे तो मातिर वाली हालत में जाने के लिए तैयार रहे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।